हाँ, हम लोग ने यही कहा है कि राज्य सरकार को अगर अपनी नीति से पीछे हटना था, जितने उतावलेपन के साथ, जितने तेजी से स्पेशल एक दिन का आप सब सेशन सत्र बुलाया गया, निजी सत्र कहेंगे उसमें, चूंकि पार्टिसिपेट तो किसी का नहीं हुआ, वॉयस किसी का आया नहीं, तो उसके बाद एक स्थानीय नीति और उसी को इंक्लूड किया गया। पहले इंक्लूड नहीं था, हाउस के अंदर ही आप देखे होंगे संशोधन करके इंक्लूड किया गया कि यही नियोजन नीति होगा, 32वीं आधार बनेगा। आज सरकार वापस बैग जा रही है और बैग जाके जो प्रस्ताव अभी आया है जिसमें भाषा का पेड़ हटा दिया गया, यहाँ का कल्चर बेस जो था वो हटा दिया गया, बिल्कुल वो सारी चीजों को हटा दिया गया, और हटाने के बाद एक नया संशोधित प्रस्ताव लाने का या पूर्व का जो प्रस्ताव था उसको फिर से लाने की तैयारी सरकार ने कैबिनेट के माध्यम से किया। हमने हाउस में स्पीकर साहब से यही जानने की इच्छा की, अगर सरकार इस रूप से कर रही है तो सरकार को हाउस में खड़ा होकर इनके कारणों को बताना होगा, सरकार को जवाब देना चाहिए कि खड़ा होकर मैं किन कारण से मैं राज्य के नौजवानों को छलने का या उन्हें फिर से एक दुविधा में डालने की तैयारी हम कर रहे हैं, ये उनको जवाब देना हम लोगों ने मांगा। सरकार ने कोई जवाब हाउस में नहीं दिया। ये जवाबदेही सरकार की बनती है कि सामने आए और स्पष्ट रूप से हाउस के अंदर, चूंकि प्रॉपर्टी हाउस के माध्यम से गया था तो हाउस के अंदर विधानसभा चल रहा है, ऐसे समय में कोई भी प्रस्ताव आता है तो निश्चित रूप से उसको हाउस में लाकर हाउस में सरकार को जवाब देना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं कहा, ऐसा जवाब खड़ा होकर देते तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अंत आप देखें, जब खत्म हुआ, जब हमने खड़ा होकर बोला और प्रारंभ हुआ, तब तक कोई सरकारी रूप से सरकार का कोई जवाब नहीं आया, आना चाहिए था। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।